नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है बच्छ बारस की कहानी। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं बच्छ बारस की कहानी। हरि प्रेमियों, बच्छ बारस का व्रत भादो महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है और बच्छ बारस की कथा सुनी जाती है। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए करती हैं। गोवत्स द्वादशी या फिर बच्छ बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा अर्चना की जाती है। बच्छ बारस के दिन गीली मिट्टी से गाय, बछड़ा और बाघ की मूर्तियां बनाकर पाटे पर रखकर अंकुरित मोठ मूंग और चने चढ़ाए जाते हैं। इस दिन जौ, गेहूं और गाय के दूध से बनी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन निराहार रहकर इस व्रत को पूर्ण किया जाता है और बछड़े और गाय की कहानी सुनी जाती है, बच्छ बारस की कथा सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं बच्छ बारस की ये कथा, ये कहानी कैसे है। एक बार की बात है, एक साहूकार था जिसके साथ पुत्र थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया लेकिन 12 वर्षों तक वह तालाब नहीं भरा। साहूकार ने कुछ बड़े बड़े पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा ये तालाब क्यों नहीं भर रहा है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे की या फिर तुम्हारे बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी इस तालाब को भर सकोगे। साहूकार ने पंडितों की यह बात मानकर अपनी बड़ी बहू को उसके पीहर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा बच्छ बारस का व्रत किया करती थी और बच्छ बारस की कथा भी सुना करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर बादल बरसने लगे और तालाब लबालब भर गया। जब साहूकार तालाब की पूजा करने के लिए जाने लगा तो लोग भी उसके साथ साथ तालाब की पूजा करने के लिए जाने लगे। जाते हुए साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेहूला धानूला यानी चने मोठ बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेहूला धानूला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को भी गेहूला धानूला समझकर पका दिया। साहूकार और उसकी साहूकारनी गाजे बाजों के साथ अपने बहू और बेटों के साथ तालाब की पूजा करने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां पर आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वह गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर बोलने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा, अरे मैंने तो अभी अभी इसकी बलि दी थी जिससे कि तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा पोता भी वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हो गई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और अपनी दासी से कहा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली, आपने गेहूला धानूला को पकाने के लिए मुझसे बोला था, इसलिए मैंने तो उसे पका दिया। यह सुनते ही साहूकार बहुत गुस्से से तिलमिला उठा और अपनी दासी से बोलने लगा, अरे पापिनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया।
एक पाप तो उतार कर अभी आए हैं, उसे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे को लगा दिया। और साहूकार अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे, अब गाय आएगी तो अब उस गाय को हम क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय माता आई तो अपने बच्चे को वहाँ पर ना देखकर जोर जोर से रंभाने लगी और खड्डे में दबी हुई हंडिया को वह खोदने लगी। जब गाय ने हंडी को खोद कर निकाल दिया तो उसमें से गाय का बछड़ा बाहर निकल आया। जब साहूकार को इस बात का पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए वहाँ आ गया। तब उसने देखा कि बछड़ा तो गौ माता का दूध पी रहा था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी स्त्रियां बछ बारस का व्रत करेंगी, बछ बारस की कथा सुनेंगी, बछ बारस माता उसको वैसे ही बेटा देगी जैसे हम सबको दिया। बछ बारस की कहानी सुनने वालों को, बछ बारस की कथा कहने वालों को और सभी को ऐसे ही संतान मिलेगी और उन सभी स्त्रियों की मनोकामना पूर्ण होगी और उनकी सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, संतान सुखी रहेगी। बछ बारस का उद्यापन कैसे करें? हरि प्रेमियों, बछ बारस का हर वर्ष लगातार व्रत करने वाली जो स्त्रियां हैं उद्यापन करती हैं। कहा जाता है कि विवाहिताओं को उद्यापन जरूर करना होता है। जिस घर में लड़के की शादी हो या फिर लड़का हो, उस वर्ष बछ बारस का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन भी सारी पूजा हर वर्ष की तरह ही की जाती है। बछ बारस का उद्यापन करने के लिए मक्का, तेल, भैंस के दूध, बेसन, बाजरा, घी, दही से भोजन जरूर करना चाहिए। 13 जगह खाना या जो भी खाने में बनाया हो थोड़ा थोड़ा रख कर हाथ फेर लेवे और 13 औरतों को इसको खिला दे और उस हाथ फेरते हुए खाने को 13 औरतों में से एक एक हिस्से को खाने को परोस दे। इस दिन गाय का दूध या फिर गाय के दूध से बनी हुई वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता। एक थाली में खाने का सामान रखो, उस पर भेस सिंगार का सारा सामान, मेहंदी, काजल, चूड़ा, बिछिया 11 या फिर 21 रुपए रखकर रिबन, बिछिया हाथ फेरकर सास या ननद या फिर अपनी जेठानी को दे देवे। एक थाली में खाना देवर या जेठ या को खिला दे और 5 रुपए या फिर श्रद्धा सामान जो भी हो नारियल के साथ दे दे। खाने वाली स्त्रियों को एक एक प्लेट या फिर प्याला दे दे, जैसी अपनी क्षमता हो। हरि प्रेमियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। हरि प्रेमियों, जय श्री कृष्णा।